Hi, I am your educator Deeptikant Padhyari. Now we are going to study about decomposition. Decomposition. Decomposition kya hai na? Ek aisa process hai, the process in which complex organic matter break down into inorganic substance is called decomposition. समझ में आ रहा है कुछ? मतलब ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होकर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोडक्शन करेगा, वो होता है डिकम्बशन का प्रोसेस. डिकम्बशन प्रोसेस होता है वेरियस स्टेप्स है. एक होता है, बहुत सारे स्टेप्स है. पहला होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन उसके बाद होगा, एक एक को पढ़ेंगे. फ्रैगमेंटेशन उसके बाद होगा लीचिंग, उसके बाद होगा कैटाबोलिज्म, उसके बाद होगा ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन उसके बाद होगा मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन. समझ में आ रहा है? देखते हैं, पहले फ्रैगमेंटेशन के बारे में देखते हैं. इसको इरेज करता हूं, एक एक स्टेप को देखेंगे. फ्रैगमेंटेशन को देखते हैं. फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा ना, जो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस, ये किसको डेट्रिट ब्रेकडाउन करेगा? ब्रेकडाउन किसको? ब्रेकडाउन टू डेट्रिटस. डेट्रिटस को ब्रेकडाउन करेगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल्स. ये फिर ये डेट्रिटस कहां से आएंगे? डेट्रिटस आएंगे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट डेट्रिटस. समझ में आ रहा है? ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है, वो बनाते हैं डेट्रिटस को. और डेट्रिटस किस प्रोसेस से ब्रेक डाउन होगा? स्मॉलर पार्टिकल्स से, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से. फिर फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से ब्रेक डाउन होने से फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, जाएगा लीचिंग प्रोसेस में. लीचिंग प्रोसेस क्या करेगा ना, वाटर सोल्युबल स्मॉलर पार्टिकल्स कहां जाएंगे? परकोलेट्स, मतलब अंदर घुस जाएंगे. किसके अंदर? परकोलेट्स डाउन द सॉयल एंड गेट प्रिसिपिटेटेड, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे सॉयल के अंदर. समझ में आ रहा है? ये हो गया फ्रैगमेंटेशन, ये हो गया लीचिंग. उसके बाद होगा कैटाबोलिज्म का प्रोसेस. कैटाबोलिज्म कौन करेंगे? माइक्रोब्स करेंगे. क्या होगा? माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, एंड फंजाई क्या करेंगे ना, डिग्रेड डेट्रिटस इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. समझ में आ रहा है? पहले डेट्रिटस ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, और जो वाटर सोल्युबल स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे किस में? सॉइल के अंदर. और उसके बाद माइक्रोब्स क्या करेंगे ना, जो भी रिमेनिंग डेट्रिटस का जो रिमेनिंग बच गया उसको वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे ब्रेक डाउन करके. उसके बाद होगा ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन क्या, कहां पर होता है? ह्यूमिफिकेशन सॉइल के ऊपर होता है. ह्यूमिफिकेशन से क्या प्रोडक्शन होगा ना, ह्यूमस का प्रोडक्शन होगा. ह्यूमिफिकेशन कहां पर होता है? अकर्स
ऑन सॉयल, ओके, उससे क्या प्रोडक्शन होगा, ह्यूमस का प्रोडक्शन होगा। ह्यूमस जो प्रोडक्शन होगा, ह्यूमस ये क्या करता है ना, जनरली हाईली रेजिस्टेंट होता है किसको, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ये हाईली रेजिस्टेंट है, ओके। फिर मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगा, मिनरलाइजेशन प्रोसेस से क्या होना, ह्यूमस अंडरगोज स्लो डिग्रेडेशन, ह्यूमस अंडरगोज स्लो डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन बाय सम पर्टिकुलर माइक्रोब्स, पर्टिकुलर माइक्रोब्स, ओके। फिर उससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर माइक्रोब्स जब उसको डिग्रेड करेंगे, उससे क्या होगा, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ओके। यहां से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होगा, इसी प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ओके। आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, थैंक यू।